सदन में बैठकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये उनको समझना होगा। और अगर वो इस्लामिक मुल्क की कल्पना कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए किसी इस्लामिक मुल्क में ना। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी है उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की जरूरत है, हम आम जन की जरूरत है, क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं वो अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीजों को अलग भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष की तमाम पार्टियां हों या उधर असदुद्दीन ओवैसी हों, सब विरोध कर रहे हैं कि ये जो शरीयत कानून है उसकी भी इसमें नहीं मान्य होगा। देखिए, पहली चीज, जब उस चीज को उससे बाहर रखा गया है, आप अपना करिए ना, आपको मना किसने किया है? लेकिन कानून जो देश का कहेगा उसके तहत करिए, तो उसके तहत करने में किसी को क्या परेशानी है? अगर उनको इतनी परेशानी है तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो आप हमारे सदन में बैठकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये उनको समझना होगा। और अगर वो इस्लामिक मुल्क की कल्पना कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए किसी इस्लामिक मुल्क में ना, वहां इस तरह का कोई कानून नहीं मिलेगा। यहां तो देश हित में एक कानून बनेगा और सब लोगों को उसके ही अम्ब्रेला के नीचे रहना होगा। तो ये कोई बड़ी बात, बिला वजह की बातें करना, सदन के अंदर लोगों को गुमराह करना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने दल के लिए ही सब बातें वो करते हैं, कभी लोगों के लिए तो चिंता करते नहीं है। आदरणीय मोदी सरकार ने जो चिंताएं की हैं, जो योगी सरकार ने की हैं, ये अपराधी जो मारे गए उसमें भी वो ये ढूंढते हैं, जो अपराधियों को जेल भेजा गया उसमें भी ढूंढते हैं कि ये एक समुदाय विशेष के हैं। इसीलिए ये कानून बन रहा है कि सबके लिए एक कानून होगा, तब वो नहीं बोल पाएंगे कि समुदाय विशेष के हैं या जाति विशेष। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। 60 साल बाद भी, नेहरू जी का कद कितना बड़ा है कि 60 साल बाद भी संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी को, नेहरू जी को गलत साबित करने के लिए अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो किसी का एक शेर है कि हमने, उसने इस तरह से मशहूर किया है खुद को, उसने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। तो जब भी उनको नेहरू के साए के पीछे छुपने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो उनकी रैली का मंच हो या संसद हो, वो सबसे पहले नेहरू जी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कब तक नेहरू जी का, इंदिरा जी का रोना रोइएगा? आपने 10 साल में क्या किया है वो गिनाइए। कल एक और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते ये बोल गए ना कि एनडीए के 38 घटक दल हैं कुल मिलाकर के एनडीए में, यानी कि जो बाकी के 37 हैं उनको सिर्फ 30 सीटें मिलने जा रही हैं। तो उन्होंने तो अपने घटक दलों को बिल्कुल घटा दिया, घटक को घटा दिया है 37, भाजपा को छोड़ के जो 37 घटक दल है उनको सिर्फ 30 सीटें, ये प्रधानमंत्री ने कही है। उनके घटक दल सुन लें इस बात को। नहीं, कुछ मामलों में तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट
को एकदम सड़क पर देख रहा हूं, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने झारखंड में जो किया उसके बाद पूरा आदिवासी समाज आज जिस तरह से एकजुट है हेमंत सोरेन जी के पीछे, एक एक घटक दल को, इंडिया अलायंस के एक एक घटक दल को जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसियों को भी यह समझना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं, बदल जाएंगी, यही सरकार हमेशा नहीं रहेगी। देखिए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है निश्चित तौर पर समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं, और जिम्मेदार सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि समाज की जरूरतों को समझते हुए सकारात्मक दिशा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समाज को बेहतर दिशा में आगे ले जाएं, हमारे समाज समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से विकास का जो वादा किया उस वादे पे हम सब खड़े उतरे, इसी लक्ष्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं। हम सबको संवाद करना चाहिए, संवाद के माध्यम से हम सब सकारात्मक रास्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और हम सबको समाज की जरूरतों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए।